और ये आदमी कौन है? कब से बेकार बातें किए जा रहा है? सही कहा पोपा जी, आप तो अकेले रहते थे, ये कौन है? वो है रतन, मेरा केयर टेकर कम दोस्त। सब आते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक दो दिन रुकते हैं और चले जाते हैं। अकेले अकेले क्या अच्छा लगता है? जब से रतन मिला है मेरा अकेलापन दूर हो गया है। मेरे मकान के पास एक छोटा सा कमरा है, वहाँ रात में रहता है और पूरा दिन मेरे पास। तो क्या ये हम लोगों को गलत बोलेंगे? गलत तो कुछ नहीं कहा चिंटू, रतन कभी गलत कह ही नहीं सकता। ठीक है, जब आ ही गए हो तुम लोग तो भगा तो नहीं सकता। आज का दिन रुक जाओ, कल लक्ष्मी पूजा होने के बाद शाम को चले जाना। घर में बच्चों की चिक चिक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे कितने मच्छर है यहाँ, एक तो भूख से मेरी जान निकली जा रही है, ऊपर से ये मच्छर मुझे ही अपना खाना बना रहे हैं। कैसे हो गोलू, इतनी बातें सुनने के बाद भी तुम्हें भूख लगी है? और बाप रे, बातों से पेट भरता है क्या? मेरे फूफा जी इतने खराब तो नहीं थे समझे तुम? ये रतन जी कौन है पता नहीं, ये सब उन्हीं का किया धरा है, नहीं तो फूफा जी हमें एक छोटा और बेकार कमरा रहने के लिए नहीं देते। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम लोग जो भी कहो पर मुझे रतन काका पर बहुत गुस्सा आ रहा है। लक्ष्मी देवी गुस्सा करेंगी, इसीलिए मैं रुकी हूँ, कल पूजा होने के बाद ही चली जाऊंगी, प्रसाद भी नहीं खाऊंगी कह देती हूँ। बिल्कुल सही कहा बुतू। अरे बाप रे, इतनी दूर से आया हूँ खास नारियल के लड्डू खाने, उन्हें खाए बिना ही कैसे चला जाऊंगा? गुस्सा तो मुझे भी आया था, इसका मतलब लड्डू नहीं खाऊंगा, अब तो मैं और ज्यादा लड्डू खाऊंगा, सारे लड्डू खाकर खत्म कर दूंगा। वो रहा पूजा का कमरा, वहीं पर सारे लड्डू होंगे। लड्डू कहाँ है, वो क्या है, जाकर देखता हूँ। और वो सब तो कह रहे थे बिना लड्डू खाए चले जाएंगे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आप कुछ गलत मत सोचना, आपसे पहले मैंने लड्डू खा लिए, चिंता मत करना, आपके लिए थोड़े से रख दूंगा और उन सबके लिए थोड़े से ले जाऊंगा। भूतू को ना लड्डू बहुत पसंद है, अब मैं खा लू। जैसे भी करके बच्चों को भगाना ही पड़ेगा। बाबू का मन अगर फिर से उन बच्चों में लग गया तो मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। जाकर देखता हूँ बच्चों का क्या कर सकता हूँ। बच्चों को भगाना ही पड़ेगा, कैसे भगाऊं उन्हें? क्या बात है, दरवाजा तो मैंने अपने हाथों से बंद किया था, उसे किसने खोला? जाकर देखता हूँ। थोड़े लड्डू उन सबके लिए भी ले लेता हूँ। सारे आप खा सकेंगी, और घरों में भी तो पूजा होगी। ए, 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 कौन है, कौन है, कौन है? ये क्या, गोलू? गोलू कहाँ गया बताओ तो? वो शौचालय गया है बूतू। शौचालय तो कब का गया था, इतनी देर लगती है क्या? शरीफ इंसान का बेटा चोरी करता है। फिर नहीं करूंगा, फिर नहीं करूंगा। ये गोलू की आवाज लग रही है। चलो तो देखते हैं। हाँ हाँ चलो। तू इतना बड़ा भुक्खड़ है मैं पिछली बार ही समझ गया था, पर तू चोर है ये पहले नहीं पता था। छी 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 छी। ये ऐसा वैसा चोर नहीं है, भगवान के घर में चोरी करने वाला चोर है। इसने क्या हाल कर दिया है देखिए चल के। क्यों रे, घर पर खाने को नहीं मिलता जो दूसरों के घर खाना चोरी करने आता है। छी 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 छी। दयालु चोर है बाबू, खुद भी खाया और दोस्तों के लिए भी चोरी करके लाया है। ये देखिए देखिए देखिए, ये देखिए। अब क्या करूं तेरा, ये अकेला चोर नहीं है बाबू, सबके सब चोर हैं। मैं कह रहा हूँ ये सारे चोर हैं। क्या कहा, हम चोर हैं? अभी मजा चखाती हूँ।
कुछ भी मत करना भूतू। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, वो तो मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए। और इसीलिए भगवान के भोग का प्रसाद खा लिया, भगवान के भोग को झूठा कर दिया। मैं थोड़ी देर बाद ही तो खाना देने वाला था। तुमने अभी तक खाना नहीं दिया, जाओ जाओ और उन्हें खाना दे दो। मेरी सारी नींद खराब कर दी। कान खोल के सुन लो, इसके बाद कुछ भी चोरी हुआ तो सीधा जेल में डलवा दूंगा। देखो चिंटू भैया, ये तुम्हारे फूफा जी का घर है, तुम्हें रहना है तो रहो, और तुम लोग भी रहना चाहते हो तो रह सकते हो, पर मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी यहाँ पर। हम भी नहीं रुकेंगे भूतू। मैं भी अकेले रहकर क्या करूँगा, चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। ये सब गोलू की वजह से हुआ है। तेरी वजह से आज हमारा कितना अपमान हुआ पता है तुझे? चोरी करके खाने की क्या जरूरत? तो खाया ही, पर चोरी करके हमारे लिए लाने की क्या जरूरत थी? तेरी वजह से हमें भी चोर कहा उन्होंने। मैं क्या करूं बोलो, मुझे बहुत भूख लगी थी, सुबह सुबह घर से खाना खा कर आया था, मुझे क्या भूख नहीं लगती, फिर सोचा तुम लोगों को भी जरूर भूख लगी होगी इसलिए तुम लोगों के लिए भी ला रहा था। ठीक है रोने की जरूरत नहीं है। एक बात तुम हमेशा याद रखना गोलू, चोरी करना किसी भी हालत में सही नहीं है। देख आज तूने चोरी करके लड्डू खाया इसीलिए फूफा जी तुझे आज अनाप शनाप बोल पाए। और मैं भी कुछ कर नहीं पाई, और वो रतन भैया मन तो कर रहा था उनकी नाक खींचकर लंबी कर दूं, सोच के ही गुस्सा आ रहा है, अगर बंटी भैया मुझे नहीं रोकते। सुनो ये बताओ तुम लोगों में से गोलू कौन है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। चोरी करके भाग रहे हो और कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया। सुनो चोरी किया हुआ माल वापस कर दो। फूफा जी कितने दुष्ट हैं, देखो जरा नारियल के लड्डू के लिए पुलिस को बुला लिया। वापस? कैसे वापस करूं? क्यों? जैसे लिया है वैसे ही वापस कर दो, नहीं तो हमें पता है चोरी किया हुआ माल कैसे वापस लिया जाता है। अरे बाप रे, ये मेरा पेट काट कर चोरी किया हुआ सामान निकालेंगे, फिर तो मैं मर ही जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? कोई भी चीज अगर खा ली जाए तो उसे वापस कैसे किया जा सकता है? खा लिया मतलब मजाक कर रहे हो मेरे साथ? सोने का मुकुट क्या कोई बिस्किट है कि चाय में डुबोकर खा लिया? हाँ? सोने का मुकुट? बाप रे कितने मासूम बन रहे हो, चलो चलो जीप में बैठो। इतनी छोटी उम्र में एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो। मैं थाने में नहीं जाऊंगा, मैं थाने में नहीं जाऊंगा।